हाय दोस्तों, मैं रेकोरा इलेक्ट्रॉनिक से भीम सिंह रेकोर। दोस्तों, मेरे पास ये फिलिप्स का एक इंडक्शन आया हुआ था, ये टोटल बंद है। ये इसका मॉडल वगैरह नंबर तो मिट चुका है, लेकिन वो पुराना मॉडल है, इस पर डिस्प्ले नहीं है, विदाउट डिस्प्ले वाला है। देखिए आप, कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखा है, टच स्विच है। और मैंने इसको क्या है खोल लिया था, ये पूरा अलग कर लिया हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा टेस्टिंग के हिसाब से। और मैंने इसका पीसीबी वगैरह ये अलग से निकाल के रखा हुआ है, और इसको इसमें मैंने वोल्टेज भी सारे चेक किए हैं। दोस्तों, ये पीसी मैंने निकाल ही लिया था, और इसके वोल्टेज वगैरह भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसमें वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं इसको यहाँ से पावर सप्लाई दूँगा, अभी मैंने इसको पावर सप्लाई नहीं दी है, मैंने यहाँ से ये वायर लगा के और क्लिप से माइनस इसको दे दिया हूँ, जिसमें इसकी डीसी वोल्ट नापेंगे, डीसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं कि एसी बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। और इसमें और मैं आपको उसमें वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ, सेट क्यों ऑन नहीं हो रहा वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। देखिए, मैं फ्रिज में लगाऊँगा, मैंने फ्रिज में लगाया, लेकिन जैसे ही लगाने के बाद फट से पीप बोलना चाहिए, लेकिन बीप नहीं बोल रहा है इसमें, जी इसमें बीप ये नहीं बोल रहा है, बीप नहीं बोल रहा है ये। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इस पर वोल्टेज दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे मैं आपको 300 वोल्ट दिखा रहा हूँ, बंद है कि नहीं बंद है। पहले मैं एक मिनट, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे मैं लगाया, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है वोल्टेज इसके, ऐसे थोड़ा वोल्टेज चेक करता हूँ, एक मिनट दिखता हूँ पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ी दोस्तों मीटर थोड़ा सा होल्ड हो गया था, इसी कारण ध्यान नहीं दे पाया। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 300 वोल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा। ये स्रोड मैंने लगाया, कंडेंसर 5 mA का 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, 450 वोल्ट में, ये इसलिए 323 वोल्ट बराबर आ रहा है इसके ऊपर। और यहाँ मतलब ये सप्लाई बन रही है, यहाँ पे भी ये माउस पैड है ये इसका, इसके मैंने बीच वाले कलेक्टर गेट पे लगाया हुआ हूँ। देखिए बिल्कुल आ रहे हैं वोल्टेज, लेकिन इधर देखते हैं कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या। तो इसका ये आई ही लगा लगो SMD आई ही, लेकिन क्या इसका नंबर मुश्किल से देख पाएंगे, कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की, अगर दिखा पाए तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से ही डीसी यहाँ सप्लाई होते हुए फिल्टर यहाँ, इसको यहाँ पे आते हुए देख लीजिए, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, एक मिनट बस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ फ्रॉड लगाया, और देख लीजिए यहाँ 321 वोल्ट बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ड्राइवर लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है, यहाँ पे 18 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं बन रहा है। देखिए भी 18 वोल्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है इसमें, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको 8 से 9 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं, 9 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसके ऊपर। देखिए, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट आना चाहिए, ये IC लगी हुई है, 78.05 लगा हुआ है यहाँ पे छोटा वाला, लेकिन ये नहीं आ रहा। मैं आपको पलटी करके दिखाता हूँ, कभी कभी ये IC क्या वर्किंग करने लगती है तो वोल्टेज बनने लगते हैं, सेट चालू हो जाता है, कभी नहीं करती है। देख लीजिए दोस्तों, ये 78.05 लगा हुआ है, ये थोड़ा उस पर गम लगा हुआ, साफ नहीं कर पाया मैं, 78.05 है। और ये देख लीजिए, इस पर PC मॉडल भी लगा हुआ है, इस पर आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये IC तो मुश्किल है कि SMD मिलेगा, ये IC तो नहीं मिल पाएगी, इसके लिए मैंने एक सर्किट आता है, ये देखिए, ये सर्किट बता रहा हूँ मैं आपको, ये सर्किट आता है ये वाला, और इसमें यहाँ देख लीजिए, मैं सीधा करके बता रहा हूँ, यहाँ पीछे कनेक्शन भी दिए हुए हैं, इसमें किस तरह से इसमें कनेक्शन लगाना है, ये सर्किट मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा और आपको दिखाऊँगा, फिर सेट ऑन करके देख लीजिए। वैसे लगाया है कई लोगों ने सर्किट, आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे
ये देख लीजिए कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस देना है एसी वाला, ये माइनस देना है ये, और यहाँ पे 5 वोल्ट, एक मिनट सॉरी, देख लीजिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट और 18 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा लेता हूँ, देख लीजिएगा, देखिए देख लीजिए 5 वोल्ट 18 वोल्ट इसमें दिया हुआ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, देख लीजिए 5 वोल्ट और 18 वोल्ट यहाँ पे, चलिए दोस्तों इसके मैं कनेक्शन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे, फिर सेट ऑन करके भी दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, देखिए इसका मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने इसको यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, ये माइनस, तो मैंने ये माइनस यहाँ पे, एक मिनट मैं सब कुछ अलग कर देता हूँ, ये पैनल भी लगाया था मैंने, इसको हटा देता हूँ, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने अलग कर दिया और देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर, ये मैंने ये प्लस वाला तार है, ये रेजिस्टेंस के यहाँ ना लगा के यहाँ लगाया हूँ, क्योंकि ये कम ओम का कम वाट का रेजिस्टेंस है ये, और इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था यहाँ पे देख लीजिए, ये 22 ओम का, ये ज़्यादा वाट में है, इससे मैंने इसको सप्लाई दे दी है, जिसमें ये लोड में दिक्कत नहीं करेगा, तो इसको मैंने यहाँ पर ये प्लस सप्लाई, ये कंडेंसर पे ये डायोड के यहाँ से आने वाली, ये देख लीजिए यहाँ से ये बनती हुई है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस और मैंने यहाँ से इसको देख लीजिए कट कर दिया हूँ, आईसी को सप्लाई प्लस सप्लाई माइनस कट कर दिया हूँ, सेक्शन इतना सेक्शन बंद हो गया है, सेक्शन बंद कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक 78.05 लगा हुआ था ये आईसी, ये मैंने इसको यहाँ से पीसी से निकाल दिया हूँ, इसको मैंने पीसी से निकाल के अलग कर दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ उसके यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, ये वाला पीछे मैं आपको पलटी करके दिखाता हूँ, देखिए ये वाला कंडेंसर लगा हुआ है, इसके प्लस पॉइंट पे 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दी है, और ये यहाँ पे ये फैन का ये प्लस सप्लाई है 19 वोल्ट, यहाँ पे भी कंडेंसर लगा हुआ है, मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, पलटी करके देख लीजिए ये लगा हुआ है, तो इसके प्लस वाले पॉइंट पर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने प्लस वाले पॉइंट पे यहाँ पे 19 वोल्ट सप्लाई दे दी है, जिस जो फैन के लिए, और ये पीएमडब्ल्यू सेक्शन इसमें बना तो है रेजिस्टेंस, ये यहाँ इसमें एक रेगुलेटर लगा के दिया, इसको 18 वोल्ट जाता है, वो यहाँ से पहुँच जाएगा, और यहाँ भी मैंने आपको बता ही दिया था, ये देख लीजिए मैंने कनेक्शन किया हूँ, एक मिनट थोड़ा सा जुमी हो जाए, ये देख लीजिए 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 19 वोल्ट, तो ये मैंने यहाँ पीछे वैसे ही कनेक्शन लगाया हूँ, ये ब्लैक वायर मैंने यहाँ पे ग्राउंड दिया हूँ, ग्राउंड वायर ये 5 वोल्ट पे और ये 19 वोल्ट पे दिया हूँ जी, देख लीजिए, और इसका नाम से मैं देख लीजिए, नाम भी है इसका जी, देख लीजिए इस किट का नाम है सोयर, और ये मिल जाता है मार्केट में, ये उन जगह पे काम आ जाता है, यहाँ इंडक्शन का ये सेक्शन मॉस्फेट सेक्शन चालू है, ये आईसी सही है, अगर ये सेक्शन में आईसी नहीं मिल रही, जिसे मेरे को नहीं मिल उपलब्ध हो पा रही थी ये वाली आईसी, तो मैंने इसको लगाया, और अभी मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे फैन कनेक्शन भी लगा दिया हूँ ये, और डिस्प्ले भी लगा दी हूँ, अब मैं पहले इसको सप्लाई दे रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सीरीज में ही देता हूँ, ये मेरा सीरीज बोर्ड है, यहाँ मैंने इसको सप्लाई दी, देखिए सेट में आवाज़ आई, फैन भी ऑन हुआ इसका, और डिस्प्ले पे देखिए लाइट भी आ रहा है, यहाँ से मैं अगर इसको बटन ऑन दबा के ऑन करता हूँ तो देखिए फ़ैन चलने लगा मेरा, देख लीजिए, अब मैं आपको चलिए यहाँ पे मीटर पे थोड़ी सी सप्लाई बताता हूँ, कि आप सोचें सप्लाई, ये मैंने ग्राउंड भी इसका लगा दिया था, यहाँ पे देख लीजिए ग्राउंड दो अलग से दिया हूँ, ये देख लीजिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि 5 वोल्ट इस पर दिखा दिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 वोल्ट, देख लीजिए 5 वोल्ट मीटर पे दिखाना, देखिए 5 वोल्ट बराबर फ्लोर लगी 5 वोल्ट बन रहा है इसमें, और मैं यहाँ पे 18 वोल्ट पे 19 वोल्ट पे मैंने यहाँ लगा दिए, देखिए फ्लोर
19 वोल्ट के ऊपर देख लीजिए, और मीटर में आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 19 वोल्ट, देखिए सेट मेरा, दोस्तों सेट मेरा ऑन हो गया। मैंने सारे कनेक्शन भी आपको दिखाए करके, अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसमें हीटिंग करके और बोर्ड रख के गर्म करके ही भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों देखता हूँ मैं अभी। है दोस्तों देखिए, इस किट को मैंने यहाँ बढ़िया से फिट कर दिया हूँ। यहाँ पे नट से कस के छेद करके बढ़िया इस तरफ कोने में, क्यों कुछ लगेगा नहीं, हीट से भी बचेगा, ये हीट अप से बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हीट नहीं होगा। और सारी वायरिंग ऐसे करके नीचे से दबा के निकाली, क्योंकि ऊपर से क्या हीट अप पड़ेगा तो बाहर पिघलने का डर भी रहता है, इसलिए नीचे से बढ़िया करके इस तरह इसको मैंने बिठा दिया हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर कॉइल को लगा के कस के वो पैनल लगाता हूँ, फिर आपको इस पर हीट अप करके, और ये देख लीजिए यहाँ ये कॉइल का कनेक्शन भी लगा देता हूँ। ये लगा दिया, फैन भी लगा दिए मैंने, कॉइल कनेक्शन हो गया। अब ये कॉइल को मैं यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से बिठा देता हूँ, और इसको बिठा के बढ़िया मैं इसको कस देता हूँ, उसके बाद आपको फिर चला के दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए कंप्लीट कर लिया हूँ मैंने, और इसको मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ। ये मैंने मेन भी लगा दिया हूँ, ये देखिए सेट मेरा ऑन हो गया। अब मैं इसे पॉट रखता हूँ, देखिए गर्म करने के लिए ये मैंने रखा, और मैं इसको एक बार दबाता हूँ, दूसरी बार दबा के देखिए सेट मेरा ऑन हो गया। 20 सेंटीग्रेड पे एक गर्म कर रहा है, तो देख लीजिए ये गर्म होने लगेगा थोड़ी देर में। देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए थोड़ी देर में ये गर्म होने लगेगा, और इससे ये यहाँ पे प्लस ये माइनस हो सकता है, ये प्लस किया मैंने, देखिए ये भाप निकलने लगी और ये हीटिंग होने लगा। इसकी जो समस्या थी टोटल रेट था ये, इसको सर्किट प्लेट जो ये लगा के इस सेट को कंप्लीट कर लिया मैंने। इससे ये सेट ठीक तरह से ठीक हो गया, नहीं तो ये इसमें नहीं किट लगता, और कस्टमर से कभी कभी इतना पेमेंट नहीं देता है। देख लीजिए इस तरह का ये मॉडल नंबर है, चाइनीज़ है, इसमें थोड़ा चाइना में भी लिखा हुआ है, और कह टोटल चाइना में लिखा हुआ है, और इसमें इंग्लिश में मतलब खाली इतना ही से लिखा हुआ है सोयर, और कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, टोटल चाइनीज़ है ये। चलिए दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।